यस बच्चे, बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज पेज नंबर 73, लेट अस डिस्कस व्हाट आर मॉडल वर्ब्स, राइट? अ मॉडल वर्ब इज अ टाइप ऑफ अ वर्ब दैट इज यूज टू इंडिकेट मोडेलिटी, दैट इज लाइकलीहुड, एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, सजेशंस, ऑर्डर, ऑब्लिगेशन और एडवाइस. मॉडल वर्ब्स ऑलवेज अकंपनी द बेस और इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ अनदर वर्ब हैविंग सीमेंटिक कॉन्टेंट. इन इंग्लिश द मॉडल वर्ब्स कॉमनली यूज आर कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, ऑट टू, हैड, बेटर, हैव टू एंड समटाइम्स नीड और डेयर. जी, मॉडल वर्ब बेटा वो होता है जिसमें आपकी, हम कहते हैं तुम ऐसे करना चाहिए, ठीक है, तुम्हें लाजमी ऐसा करना चाहिए, या इसमें रिक्वेस्ट भी हो सकती है. जैसे हम कहते हैं यू शुड गो टू द मार्केट, या यू मस्ट नॉट गो टू द मार्केट. इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम सजेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो जब हम इस किस्म की यानी कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं या सजेस्ट कर रहे हैं, या ऑब्लिगेशन है, जैसे ऑब्लिगेशन है यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, ये ऑब्लिगेशन है, ये फ़राइज़ में आ जाता है, ठीक है. या ऑर्डर है, ऑर्डर को मानना है, सजेशन मानना है, रिक्वेस्ट है, परमिशन है, ठीक है. तो इसके लिए हम मॉडल्स यूज़ करते हैं, मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हैं. नीचे एग्जांपल्स आर गिवन हियर, और उन्होंने कहा है कि ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होते हैं, जो यानी कि इनकी फॉर्म है ना, यू कैन गो देयर. जब ये आ जाएंगे तो इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगी, ठीक है ना बेटा. और इसके साथ ये, जैसे अगर ये कुड भी है तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, विल, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, ऑट टू, हैड, बेटर, हैव टू. हैव टू याद रखिएगा, हैव टू का यहाँ क्या मतलब है, दे हैव टू गो देयर, उन्हें वहाँ जाना पड़ा, यानी कि मजबूरन वहाँ जाना पड़ा. तो हैव टू को जब हम पास्ट में करेंगे तो हैड टू हो जाएगा, ठीक है. तो ये याद रखिएगा, इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड बेस फॉर्म. अच्छा जी, चलें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. द मॉडल वर्ब्स इंक्लूड कैन, मस्ट, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड भी, यहाँ पे शुड है और कैन की पास्ट फॉर्म कुड भी यहाँ पे इंक्लूडेड है. दे आर यूज्ड विद अदर वर्ब्स टू एक्सप्रेस एबिलिटी, अगेन द सेम थिंग, obligation, possibility and so on. Below is a list showing the most useful models and their most common meanings. ठीक है, can क्यों हम कहाँ पर use करते हैं, जब हम कहते हैं to express ability. For example, I can swim, कि मुझे तैरना आता है, ठीक है. I can speak a little Russian, मैं थोड़ी बहुत Russian बोल सकती हूँ. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम, के एबिलिटी की बात कर रहे हैं. अगर हम कहते हैं कैन यू ड्राइव, क्या तुम ड्राइव कर सकते हो गाड़ी, तो हम यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, क्या आप में ये एबिलिटी है कि आपको क्या चलानी आती है गाड़ी. यहाँ पे कैन एबिलिटी को के लिए यूज़ किया गया. सेकंड जो कैन है वो रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया गया, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, कैन आई ओपन द विंडो, क्या मैं ये विंडो खोल सकती हूँ, यह विंडो खोल सकता हूँ. अच्छा जी, मे टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, ठीक है. आई मे बी होम लेट, ठीक है, आप अपनी अम्मी अबू को बता रहे हो कि मैं देर से भी आ सकता हूँ, ये पॉसिबिलिटी के लिए आपने मे भी है. हम ये भी कह सकते हैं इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, ठीक है. तो हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं. और एक मे हम यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट परमिशन के लिए. जैसे आप टीचर को कहते हो, टीचर मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई सिट डाउन प्लीज़, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ. अब देखिए ना, यहाँ पे आप परमिशन ले रहे हैं, आप एबिलिटी तो है, यू कैन सिट डाउन, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप परमिशन ले रहे हो, मे आई सिट डाउन प्लीज़. अच्छा जी, मस्ट टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, यानी कि यहाँ पे कुछ ज़रूरी तरीन काम है जो आपने करना है. आई मस्ट गो नाउ, यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ, ठीक है. ये क्या है, इसका हम यहाँ पे ऑब्लिगेशन, किसी खास जिम्मेदारी को कहते हैं, को पूरा करने के लिए आप मस्ट का यूज़ करते हो. एंड सेकंड वाला मस्ट का सेकंड सेंस ये है टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग बिलीव. जब आपका कोई स्ट्रॉन्ग, कुछ बहुत ही पक्की बिलीव वाली बात है तो भी आप यानी कि मस्ट यूज़ करते हो. फॉर एग्जांपल, आप किसी के बारे में कह रहे हो शी मस्ट बी ओवर 90 ईयर्स ओल्ड,
कि वो लाजमी 90 साल से ऊपर की उम्र की होंगी, ठीक है, यानी कि यू आर क्वाइट श्योर कि वो उससे ज़्यादा की हो सकती है, कम की नहीं हो सकती। शुड टू गिव एडवाइस, जब आप किसी को कहते हो, नसीहत करते हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, ठीक है। वुड टू रिक्वेस्ट और ऑफर, जब आप किसी को कोई ऑफर कर रहे होते हो तो सॉफ्ट अंदाज में जब आप करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, रिक्वेस्ट या ऑफर करते हो। वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, आप ये भी कह सकते हो। वुड यू स्विच ऑफ द फैन, आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और वुड है एक, हम पढ़ेंगे जब कंडीशनल्स को, तो कंडीशनल्स की एक टाइप है जिसमें शायद वो सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल्स हैं, जिसमें हम इफ पार्ट में वर लगाते हैं और सेकंड पार्ट में हम वुड लगाते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मॉडल वर्ब्स आर अनलाइक अदर वर्ब्स, दे डू नॉट चेंज देयर फॉर्म एंड दे हैव नो इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल, यानी कि इसका पास्ट या फॉर्म्स नहीं है, ऐसे ही ये यूज़ होते हैं। जैसे ये, जैसे कि ऑन जो वर्ब्स हैं बेटा, उसकी पास्ट फॉर्म भी होती है, प्रेजेंट फॉर्म भी होती है, लेकिन ये वो वाहिद वर्ब्स हैं जिनकी और फॉर्म्स नहीं हैं, ये एज सच ऐसे ही यूज़ होते हैं, ठीक है। द मॉडल्स मस्ट एंड कैन नीड सब्स्टिट्यूट वर्ब्स टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और एबिलिटी इन द डिफरेंट टेंसेस। वो कह रहे हैं कि जो मॉडल्स होते हैं वो दूसरे वर्ड्स की हेल्प लेते हैं अगर उन्होंने डिफरेंट टेंसेस में कोई भी बात एक्सप्रेस करनी हो, तो वो और वर्ड्स की हेल्प लेते हैं। हेयर आर सम एग्जांपल्स, पास्ट में अगर यानी कि वो करना चाह रहे हैं, हेल्प करने हैं, कोई किसी चीज़ को मजबूरी शो करनी है, तो वो क्या कहते हैं, सॉरी आई एम लेट, आई हैड टू फिनिश माय मैथ टेस्ट, सॉरी मैं लेट हो गया क्योंकि मुझे मैथ का टेस्ट करना था। अब मैथ का टेस्ट करना था, एक ज़रूरी काम था, तो आपने देखा कि इन्होंने, ये जो मॉडल्स हैं, किसकी हेल्प ली, हैड टू की हेल्प ली। वैसे हैव टू है, आपको पता है, जब आप कहते हो आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है, ठीक है, तो जब पास्ट में आप करोगे तो आप क्या कहोगे, आई हैड टू गो देयर। अब प्रेजेंट परफेक्ट में, ही हैड टू रिटर्न टू कोरिया एट शॉर्ट टाइम, शी हैज़ हैड टू रिटर्न टू कोरिया एट शॉर्ट नोटिस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आपको अच्छी तरह पता है। यहाँ पे बेटा जो एक हैज़ है वो एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आया है, और जो हैड आया है वहाँ पे वो आपको पता है मेन वर्ब के तौर पे आया है, और मॉडल के तौर पे आया है उसकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। फ्यूचर यू विल हैव टू वर्क हार्ड इफ़ यू वॉन्ट टू पास द एग्जाम, यू विल हैव टू वर्क हार्ड, तुम्हें सख्त मेहनत करनी पड़ेगी अगर तुम पास होना चाहते हो, तो यहाँ हैव टू करना पड़ेगी, ऑब्लिगेशन आ गया ना बेटा। तो जो मॉडल्स हैं वो दूसरे वर्ड्स की भी हेल्प लेते हैं, जैसे हैज़ टू हैव टू हैड टू, इनकी भी हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू, नाउ वी कैन सॉल्व ए पार्ट ऑन पेज नंबर 73, ठीक है, हम अभी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को। तो थैंक यू। Class 10, I have sent you the video of modal verbs and I have discussed them in detail with you. Now, let us fill in the blank on page number 73, A part, in which you are going to fill in the blanks. First, you have to read out a sentence and then you are going to judge what type of modal verb is needed here. So, do you remember the modal verbs? Yes, there is list of modal verbs that I sent to you. Now you are going to pick the most suitable modal verb to complete the sentence. Okay, ji, let us discuss it together. Put appropriate modal verbs into the gaps. Sentence number one is, we blank to borrow umbrellas, comma, this is semicolon. So we didn't get well. G, we have discussed in our video that if we are using past tense and we have an obligation in the past tense, so what type of modal verbs we are going to use? Had to. ठीक है, we had to borrow umbrellas, के हमें umbrellas मांगने पड़े,
सो वी डिडंट गेट वेल. इसके नतीजे में हम गीले नहीं हुए, ठीक है ना. हैड टू, हैज टू, हैव टू, जब कोई काम आपको करना होता है, करना पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, हैव टू यूज़ करते हैं. पास्ट है तो हैड टू यूज़ करेंगे, ऑफ कोर्स. अगर ही शी इट है तो हैज टू यूज़ करेंगे, ठीक है. अब यहाँ पे जो बोरो है वो बेटा आप, यानी कि हो सकता है वहाँ पे चार्ज किया जाता हो, किराए पे दिए जाते हो अम्ब्रेलाज, या उधार दिए जाते हो, ये उस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है. सो वी हैड टू बोरो अम्ब्रेलाज, सो वी डिडेंट गेट वेल. I was so far from the stage that I blank see very well. कि मैं स्टेज से इतना दूर था या इतनी दूर थी कि मैं बहुत अच्छे तरीके से देख सका या देख नहीं देख सका. ये आप सपोज करें, बताएं, आप जज करें और मुझे बताएं क्या होना चाहिए. Could see very well या could not see very well होना चाहिए. ऑफ कोर्स यहाँ पे कुड नॉट सी वेरी वेल होना चाहिए ना, क्योंकि मैं स्टेज से इतना दूर था कि मुझे वहाँ से सही नज़र नहीं आ सका. ही सीज वेरी बैडली, ही ब्लैंक वेयर ग्लासेस ऑल द टाइम. ही सीज वेरी बैडली, ही शुड वेयर ग्लासेस ऑल द टाइम, ठीक है ना, उसको हर वक्त ग्लासेस पहननी चाहिए. यू ब्लैंक ड्राइव फास्ट, देयर इज ए स्पीड लिमिट हेयर, कि तुम्हें ड्राइव तेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. आगे जुमला पढ़ते हैं, देर इज ए स्पीड लिमिट हेयर, कि यहाँ पे एक स्पीड लिमिट है, अगर वो लिमिट आप क्रॉस करेंगे तो आपको फाइन हो सकता है. तो इसीलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट, देर इज ए स्पीड लिमिट हेयर, ठीक है. ओके जी, नंबर फाइव इज वी ब्लैंक ड्राइव फास्ट, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, के हमारे पास बहुत सारा वक्त है, तो हमें तेज गाड़ी दौड़ानी चाहिए कि नहीं दौड़ानी चाहिए. वी शुड नॉट ड्राइव फास्ट, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. आपको बेटा मैंने बताया था कि शुड थोड़ा सा सॉफ्ट उसमें आ जाता है और मस्ट थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा ज़ोर डाल के, जो काम हमें लाजमी करना चाहिए उसके लिए हम मस्ट लगाते हैं, और शुड एडवाइस के लिए होता है, ठीक है ना, वो उससे कम जोर दे रहे होते हैं हम किसी बात पे, ठीक है. अच्छा जी, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो बेटा आप क्लास सेवन से करते आ रहे हैं, तो देखते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू डू इट. Put in the correct form of the verb to complete the following sentences in passive voice. ठीक है, a letter blank by Ehsan. आगे उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है आपको टू राइट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या फॉर्मूला होता है, इज एम आर बींग एंड थर्ड फॉर्म. ठीक है, अ लेटर, बेटा हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट को देख के हमें अंदाज़ा होता है कि हमारा जो है आगे वर्ब आ रहा है वो इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा. अब ब्लैंक से पहले आप देख लें ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, आ लेटर, तो यहाँ पे क्या, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, इज आना चाहिए. आ लेटर इज बीइंग रिटन बाय एहसन, ठीक है. सेकंड इज द वर्ड्स ब्लैंक बाय द टीचर टुडे, and they are giving you the option of verb कौन से to explain, tense कौन से, present indefinite tense. The words are explained by the teacher today. ठीक है, this road blank because of snow, already to close and present indefinite tense. The road, this road is already closed because of snow. The dish is blank by my brother. आगे ऑप्शन में not है, to wash verb है, और इसके बाद हमने टेंस कौन सा लगाना है, present continuous tense लगाना है. The dishes are not being washed by my brother. Number five, I blank by the principal. Options are not called present indefinite tense. I am not called by the principal. ठीक है बेटा, this you are going to solve.